हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अंश हिस्ट्री गुरु में। दोस्तों, आज हम इलेक्ट्रिकल के कुछ इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके विषय में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसे हम आज की जो हमारी टॉपिक है वो है मटेरियल फॉर हीटिंग एलिमेंट्स। कहने का मतलब ये दोस्तों, हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए जिन तारों की हमें आवश्यकता पड़ती है वे तारे कौन सी हैं, इसके बारे में हमें जानना है। दोस्तों, जैसे कि आपके किसी भी इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं इस टाइप से क्वेश्चन। तो दोस्तों, सबसे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके साथ ही में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आपसे इंटरव्यू में ऐसे ही क्वेश्चन पूछ सकता है, हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए जिन तारों की आवश्यकता होती है वे कौन से होते हैं। नंबर एक हमारा होता है कैथल, और नंबर दो होता है नाइक्रोम। क्या होता है? नाइक्रोम। नाइक्रोम वायर और ये कैथल वायर। हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए जिन तारों की आवश्यकता होती है वे तारे कौन से हैं, वो है कैथल और नाइक्रोम। इसको हिंदी में भी लिख देते हैं कैथल और फिर ये क्या है, ये नाइक्रोम। अब इसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। पहला क्या है? कैंथल। अब यह क्या है कि यह एक क्रोमियम निकिल आयरन इत्यादि का एक अलॉय है। ये तीनों मिक्स करके भिन्न भिन्न परिषद, इसका छोटा छोटा कुछ कुछ भाग मिलाकर ये बनाया जाता है। इसका जो कार्य करने का अधिकतम तापमान होता है वह 1280 यानी कि जो इसका तापमान होता है कितना, 1280 डिग्री सेल्सियस पर होता है और ये 2336 फारेनहाइट होता है। ठीक है, अब 20 डिग्री सेल्सियस पर अगर इसकी स्पेसिफिक देखी जाए, अगर रेजिस्टेंस देखा जाए तो 135 माइक्रो ओम सेंटीमीटर है। इसके अगर गलनांक की बात की जाए, अगर इसकी जो गलनांक, जो गलने की कैपेसिटी होती है, गलनांक अगर बात करें, यह लगभग 1510 डिग्री सेल्सियस पर 2750 फारेनहाइट है। कितना? 2750 फारेनहाइट। ठीक है, यह खास तौर पे चीनी मिट्टी के भिन्न भिन्न कामों और स्टेनलेस स्टील को नम करने के लिए बड़ी बड़ी भट्ठियों में प्रयोग किया जाता है। अब एक बार फिर से हम देखते हैं, जैसे अगर आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया गया या आपके एग्जाम में पूछ लिया गया हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए जिन तारों की आवश्यकता होती है वे कौन से हैं, तो आपको कहना क्या है। एक हमारा पहला होता है कैंथल और दूसरा होता है नाइक्रोम। अब कैंथल क्या होता है, इसके बारे में हमने बेसिक चीज़ों के बारे में आपको समझाने की कोशिश की है, तो आप यहाँ देख लीजिए। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, यह क्रोमियम निकिल और आयरन इत्यादि का एक अलॉय है जो भिन्न भिन्न प्रतिशत से मिलाकर बनाया जाता है। इसका जो कार्य करने का अधिकतम तापमान होता है, जैसे जिस पे वो ये वर्क करता है, वह 1280 डिग्री सेल्सियस पर 2336 फारेनहाइट होता है। ठीक है, उसके बाद 20 डिग्री सेल्सियस पर इसकी जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है वह 135 माइक्रो ओम सेंटीमीटर होता है। ठीक है, इसका जो गलनांक होता है वह लगभग 1510 डिग्री सेल्सियस पर 2750 फारेनहाइट होता है। खास तौर पर यह क्या करता है कि चीनी मिट्टी के भिन्न भिन्न कामों को स्टेनलेस और स्टील को नर्म करने के लिए बड़े बड़े भट्टियों में प्रयोग किया जाता है, जैसा कि यहाँ मेंशन किया गया है। अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं हम, नाइक्रोम।
ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि हम दूसरे टॉपिक की बात करते हैं, नाइक्रोम वायर। नाइक्रोम वायर में क्या होता है कि या इसमें क्या होता है कि या 80% निकल और 20% एक क्रोमियम कहलाया होता है। क्या होता है? क्रोमियम का, यानी कि 80% इसमें निकल और 20% क्रोमियम मिक्स होता है। और यह 1150 डिग्री सेल्सियस पर 2102 फारेनहाइट के अधिकतम तापमान पर सुरक्षित ढंग से कार्य कर सकता है। कहने का मतलब ये कि नाइक्रोम वायर में 80% निकल और 20% क्रोमियम मिक्स होता है। और इसमें क्या करता है कि 1150 डिग्री जब सेंटीग्रेड होता है, यानी कि जब तापमान इसका 1150 डिग्री होता है, तब वह क्या इसकी जो फारेनहाइट कैपेसिटी है या 2102 पे या अधिकतम तापमान सुरक्षित रूप से कार्य करता है। अब अगर 20 डिग्री सेल्सियस पर अगर इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस देखा जाए तो वह होता है 110 माइक्रो ओम होता है। कितना होता है? 110 माइक्रो ओम, ठीक है। और यह विशेष तौर पर घरेलू उपकरणों के लिए इस्तेमाल किया जाए, हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे घरेलू उपकरण होंगे एलिमेंट, उन्हीं के बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे हमने आपको स्टार्टिंग से भी बताया कि नाइक्रोम और कैंथल ये दो हमारे वायर होते हैं, ये क्या होते हैं? हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और इसमें कितने तापमान रखना चाहिए, कितने तापमान पर, कितने फारेनहाइट का, ये होता है, इसके बारे में भी आपको बता दिया गया है। तो दोस्तों और भी इसी प्रकार से आपको वीडियो मिलते रहेंगे। अगर चैनल पर आप नए हैं तो आपको रेड कलर की बटन दिख रही होगी, उसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ ही में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। ओके ऑल द बेस्ट साथियों, जय हिंद, जय भारत।